लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या मोदी मैजिक खत्म हो चुका है? क्या लोगों को अब मोदी जी को देखने में और उनकी बातें सुनने में, या फिर यूं कहें कि उनके जुमले सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2023 साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मोदी जी जा जाकर प्रचार कर रहे हैं और चुनावों को कितना सीरियसली लेते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। मोदी जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जनसभा में मोदी जी की भारी फजीहत होती है। कैसे, आपको बताते हैं। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हैं और इस दौरान पीएम मोदी की सभा में कुर्सियां जो है वो दूर दूर तक खाली पड़ी दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि आगे कुछ लोग बैठे हैं लेकिन वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता ही हैं, बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं। जनता की बात करें तो जनता आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगी। लाल लाल कुर्सियां लगाई गई हैं लेकिन ये लाल लाल कुर्सियां जहां तक नजर जाएंगी वहां तक खाली पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में रोड शो करते हैं, लेकिन उनके रोड शो में भारी भीड़ उमड़ती है, लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। इतने लोग देखने को मिलते हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक लोग आपको दिखाई देंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में चुनाव भी नवंबर में होने वाले हैं और 3 दिसंबर तक चुनाव के जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो घोषित हो जाएंगे। ऐसे में तमाम पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक, बड़े बड़े नेता वहां जाकर रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो हाल दिख रहा है, और बीजेपी के किसी नेता ने नहीं, यहाँ पर पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी काफ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा जाता है कि वो जहाँ जाते हैं लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है उनको देखने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि मध्य प्रदेश में तो उन्हीं की सरकार है और चुनाव भी हैं। क्या ये जो रैली में कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, क्या ये चुनाव पर असर डाल सकती हैं? क्या ये बीजेपी के लिए परिणाम पर असर डालेगी, ये तो देखना होगा। यहाँ पर आप शांतनु का ट्वीट देख रहे हैं। शांतनु ने दो वीडियो शेयर करे हैं, पहले तो एक मोदी का वीडियो शेयर किया है, एक राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया है। दोनों में बताया है कि एक तरफ तो मोदी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हैं और राहुल की जो रोड शो, राहुल का जो रोड शो है उसमें भीड़ उमड़ रही है। यहाँ इन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़, वहीं मध्य प्रदेश में मोदी की रैली में खाली पड़ी कुर्सियां। पहले आपको मोदी का वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पर मोदी जी के वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें आगे आपको कुछ लोग बैठे दिखाई देंगे, लेकिन सबके हाथ में बीजेपी का झंडा और गले में बीजेपी का पटका, यानी कि ये बीजेपी की पदाधिकारी हैं। उसके बाद जो नजारा आप देखेंगे उसके बाद आपको सिर्फ दूर दूर तक खाली कुर्सियां ही दिखाई देंगी। देखिए वीडियो। उस सरकार में 2 लाख घर, माननीय प्रधानमंत्री। आपने यहाँ पर पीएम मोदी का वीडियो देखा, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में रैली की और रैली में क्या फसीहत हुई ये भी आपने देखा, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आगे मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि लोग वहां से उठ उठकर जा रहे हैं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है पीएम मोदी का भाषण सुनने में। आप यहाँ पर राहुल गांधी का वीडियो देखिए, कंपेरिजन टू मोदी रैली। यहाँ पर राहुल का वीडियो देखेंगे तो राहुल जो रोड शो कर रहे हैं उसमें आपको चारों तरफ भीड़ दिखाई देगी, लोगों का जनसैलाब दिखाई देगा, लोगों की भीड़ किस तरह से राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ रही है ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप राहुल गांधी का वीडियो भी देखिए। तो राहुल गांधी का वीडियो भी आपने देखा, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे राहुल गांधी के रोड शो की। यहाँ पर आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, कोई उन पर फूल बरसा रहा है तो कोई उन्हें लेकर नारेबाजी कर रहा है। लोगों के बीच राहुल गांधी को लेकर उत्साह, एक्साइटमेंट जो है वो आप अलग ही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी की रैली को लेकर क्या हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी रैली कर रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश में जहाँ पर उनकी सरकार है, वहां पर क्या हाल है ये भी आपने देखा। मोदी की रैली का एक और वीडियो दिखाते हैं, मोदी की जनसभा का एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप कुर्सियां तो खाली देखेंगे ही, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, जो रैली देखने आते हैं, सुनने आते हैं, वो कुर्सियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि पीएम मोदी का भाषण चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को लेकर क्या कह रहे हैं, कौन से नए वादे कर रहे हैं, लोगों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और लोग वहां से जो है कुर्सियां छोड़कर, जनसभा को छोड़कर वहां से बीच भाषण में ही उठकर जा रहे हैं। देखिए वीडियो भी आपने देखा।
वीडियो का एक और आखिरी हिस्सा भी देखिए। इस हिस्से में भी आप देखेंगे कि कुर्सियां खाली ही पड़ी हैं। ये दूसरा एंगल है वीडियो का, क्योंकि जनसभा जो है वो काफी बड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए, लेकिन कई कुर्सियां तो उतारी ही नहीं गई, जैसे कुर्सियां स्टैंड पे लगाई जाती हैं, जैसे कुर्सियां एक साइड रखी जाती हैं, कई कुर्सियां जो हैं वो तो उतारी नहीं गई हैं, क्योंकि लोग ही नहीं आए तो वो कुर्सियां फैलाकर या कुर्सियां बैठाकर या कुर्सियां उतारकर क्या ही होने वाला है। अब यहाँ पर ये वीडियो देखिए, ये भी दूसरा एंगल है, यहाँ पर भी कुर्सियां खाली ही पड़ी हैं। ये लाल लाल कुर्सियां जहां तक आपको दिखाई देंगी, इन लाल लाल कुर्सियों पर कोई भी नहीं बैठा दूर दूर तक। मध्य प्रदेश में ये हाल है। अब सोचिए, ये जो खाली पड़ी कुर्सियां हैं, क्या ये बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाएंगी? जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाएंगी, लेकिन ये खाली पड़ी कुर्सियां क्या चुनाव में कोई असर डाल सकती हैं? क्या चुनाव के परिणाम में कोई असर डाल सकती हैं? ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। वीडियो देखिए। लटका कर रखा जब उस सरकार में 2 लाख घर माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो यहाँ पर ये वीडियो भी आपने देखा। अब इसी के साथ नई दुनिया का ये आर्टिकल भी देखिए, जिसमें राहुल गांधी का जो रोड शो हुआ है उसे लेकर यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि राहुल गांधी के रोड शो में किस तरह से भीड़ उमड़ी है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की रैली हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली जनसभा को संबोधित किया, लेकिन उसे लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनकी रैली में इतना बड़ा कुछ भीड़ उमड़ पड़ी या फिर लोगों का हुजूम लग गया, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लिखा है, हेडलाइन में लिखा है कि जबलपुर में राहुल गांधी का रोड शो, भीड़ उमड़ गई। विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में अब स्टार प्रचारक शहर आ रहे हैं। अभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राहुल गांधी का स्वागत करने जगह जगह अपना मंच बना चुके हैं। कई लोग शहनाई से तो कई लोगों ने बैंड बाजा की धुन पर उनकी यात्रा का स्वागत किया है। इस कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक राहुल गांधी जबलपुर में रोड शो कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर वो पहली बार महाकौशल पहुंचे हैं। शहर की 3 विधानसभाओं में रोड शो करने के बाद राहुल गांधी जबलपुर में ही रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे और फिर शुक्रवार की सुबह वो सतना के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी के साथ यहां पर बताया गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संभागीय मीडिया प्रभारी आलोक शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने जबलपुर में रोड शो किया और उनके तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से डुमना पहुंचेंगे। इसके बाद राहुल गांधी पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के पंडा की मड़िया पहुंचेंगे, जहां से वो रोड शो को प्रारंभ करेंगे। तो कई जगह जो है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी अलग अलग रोड शो करेंगे और इसके लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। कार्यकर्ता और पार्टी के लोग तो राहुल गांधी के रोड शो को लेकर उत्सुक हैं ही, लेकिन जो लोग हैं, आम जनता है, वो भी राहुल गांधी के रोड शो, राहुल गांधी की रैली, राहुल गांधी के भाषणों को लेकर उत्सुक ही दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, जनसभा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई उन्हें सुनने के लिए नहीं आ रहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि लोगों को पता है कि मोदी जी भाषण में क्या बोलेंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे, उसके बाद सबकी बुराई करेंगे और उसके बाद बीजेपी के अच्छे अच्छे काम गिनाएंगे जो कभी हुए ही नहीं, और इसी के साथ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो वादे जो हैं भूल जाएंगे। शायद इसलिए मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो रहा है और राहुल गांधी मोदी पर भारी पड़ रहे हैं। मोदी जी की जनसभा में जिस तरह से कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी सड़क पर उतरकर रोड शो करते हैं, तब उनकी इस रोड शो में, उनकी इस सभा में किस तरह से लोगों का जनसैलाब उमड़ता है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।